हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और हम भी ठीक हैं। बस थोड़ी सी सर्दी के कारण मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बाकी बाबू तो ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि बाबू के जाने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी दोस्तों। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो बस मैं दोबारा सो गई थी। और इसके बाद उठ के नहाई, फिर लंच अभी रेडी हो रही है। चावल बन गई है, इधर बन गई है करेले भुजिया, करेले आलू भुजिया। और सुबह मैं बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, वो भी है। और साथ में मैं बना रही हूँ आज कुछ स्पेशल। ओ माय गॉड, ये तो तेल तेल ही निकल गया। ये रहा बटर पनीर, बटर पनीर में से बटर निकाल देंगे। देखो साइड साइड से कितना आ गए, ठीक है। आज का स्पेशल है ये बटर पनीर, वो हो चुका है। और ये करेला, ये भी हो चुका है। मुझे ऐसे पसंद है पूरा सूखा। बंद कर देते हैं। और मौसम भी मतलब इतना गर्मी लग रही है ना, कुछ ज़्यादा ही। इसी वजह से मेरे सर्दी भी लगी है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी रात को, तो मैं पूरी रात कूलर चला के सो गई। फिर हो गई सत्यानाश। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। सर्दी के लिए दवाई वगैरह तो मैं नहीं लेती हूँ, नहीं तो और जल्दी ठीक हो जाता, बट सर्दी के लिए मैं दवाई नहीं खाती। और बस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, परेशान हो गई हूँ। इस टाइम में सीजन, अभी के सीजन में गर्मी, गर्मी के सीजन में अलग बात है, गर्मी होती है ठीक है, बट अभी तो बारिश के टाइम है ना। फिर भी तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी से। और इसके बाद से हम लोग क्या क्या करते हैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और बस बने रहे लास्ट तक, देखिए कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं, और इधर बाबू है, उसको मैं देखो खाना लेके आई हूँ उसके लिए, और वो खा रहा है अभी। उसके लिए मैं पैक की थी टिफिन में ये वाला कुकीज़, तो ओ अभी खा रहा है, स्कूल में तो खा नहीं पाया। चलो खाओ भाई, चलो चलो चलो। जो भी मैं सब्जी बनाई थी ना, वो खाएगा नहीं बोल रहा है, तो इसके लिए मैं अलग से उसके लिए बनाई ये ऑमलेट। और साथ में जो तरई की सब्जी में आलू मिक्स की थी, उसको निकाल के बस सूखा बना दी। अभी वो सूखा सूखा ही खाएगा, पसंद नहीं कर, पनीर नहीं खाना है, तोरे नहीं खाना है, क्या नहीं खाना। चलो खाओ, हाथ धोए हो ना। नहीं, चलो चलो चलो, पसीना से पूरा भीग चुका है, सच में इतना गर्मी लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। कूलर चलाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, बट चलिए पहले हम लोग खा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, मेरी लंच हो चुकी है, बट बाबू अभी तो खा रहा है, देख सकते हैं। और दोस्तों आज मूसलधार, आज मूसलधार बारिश आ गई है, मज़ा आ गया, बहुत मस्त लग रहा है। हाँ थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि बोलो ही मत। तो ऐसे ना 2-3 घंटा लगातार ऐसे बारिश हो, मज़ा आ जाएगा। अभी मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अंदर आ रहा है पानी, अंदर आ रहा है। हाँ बाबू का जूता अंदर ले लेते हैं।
को। क्या गिरा? मैंने खाना ख़त्म किया और इसके बाद बहुत सारे बर्तन गंदा हुआ था तो सारा मैंने साफ़ किए, फिर भी ये लड़का अभी तक खाना खा रहा है। 2 घंटा खाया उसने। अगर उसको बार बार ना बोलो ना तो फिर वो रात तो खाएगा। उठाओ चलो, एक एक चावल जो गिरा है ना उठाओ सारा, जल्दी क्यों नहीं खाए आप? हर चीज़ मतलब टाइम में होना चाहिए। बाबू टीवी देख रहा था ना, अभी मैंने बंद कर दिया थी, उसका ध्यान सिर्फ टीवी में था, सिर्फ टीवी। यहाँ का खिड़की खोल देती हूँ ताकि यहाँ भी हवा घुसे ठंडा ठंडा। मज़ा आ जाए। आए अच्छे से बारिश हो। सर्दी से हालत ख़राब है मेरी। ये देख सकते हैं कितना सारा मैंने बर्तन साफ़ किया, बहुत सारा, लेकिन ये लड़का अभी तक ख़त्म नहीं किया। और ये लोग जो छत वाले कपड़े सुखाने वाले, उनको मतलब काफ़ी टाइम मिला था, काफ़ी टाइम से कम आधा घंटा से पहले से वो ऐसे लग रहा था कि बारिश आएगी, बट ये लोग उठाए नहीं कपड़े, तो क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। यस यस यस, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम 10 बज रहे हैं और हम लोग का पढ़ाई हो गया है और मेरी भी तबीयत अच्छा नहीं है, देख सकते हैं पूरा सर दर्द हो रहा है दोस्तों सर्दी के कारण, तो सर दर्द और मुझे ऐसे लग रहा है कि बुखार भी होने वाली है, तो मैं अभी पैरासीटामोल खा के सोऊंगी ताकि ज़्यादा ना हो, सर दर्द हो रहे हो गया। बाबू का लास्ट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लेगा फिर हो जाएगा। और मैं इतनी देर से ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। ये दिखाते हो, ये देखिए, ये है बाबू का मटका। इतना लास्ट टाइम में हम क्या ही लेके आए बताओ। मेरे पास ये था जो मैं बना के रखी थी, ये सब तो उसको बांध दी, बाकी ये सब भी था तो इसको ऐसे झुला दिए, बाकी ये वाला चिपका दी बस। इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है बट क्या कर सकते हैं। ये पहले का मटका था जिसको मैंने कलर किया था बहुत खतरनाक वाला, टुप टुप करके। तो गलती से नहीं, जानबूझ के, एक ख़राब हो गया तो दूसरा हम यूज कर सकते। आपका हो गया बाबी? तो सारा पेंसिल कंपास वगैरह सारा रख दो, मैं आज नहीं ये कर पाऊँगी, ये काल हम करेंगे। क्या हुआ? रख दो रख दो, ये कंपास आपका कंपास। अभी मैं बनाऊंगी रोटी और दूध गरम करूंगी, रोज़ हम लोग का रात का ही होता है। और देखती हूँ मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं भी, क्योंकि दवाई खानी होगी मुझे, तो मैं मेरे लिए भी मैं एक बना लूँगी। मम्मा पापा ने हाँ बोल दिए है। किस चीज़ का? कैंपिंग जाने के लिए। ओके, वो भी जाएंगे साथ। हाँ, हम अकेले थोड़ी ना जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आगे मतलब शूट करने का मन नहीं कर रहा है, और देखती हूँ कितना टाइम का हो रहा है, नहीं तो मैं कल सुबह का थोड़ा सा बना के ऐड करूँगी। वैसे इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट ठीक है, धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर जब हम लोग साथ में रहेंगे तो इंटरेस्टिंग होगी, मज़ेदार होगा, घूमने जाएंगे, मज़े करेंगे।
तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, बाकी कुछ नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। आप भी बोलो।